खमा गणिसा, मैं अंतर का राठौर आज आपने दशा माता की कहानी सुनाबा जा रही हूँ। तो एक नगर हो, नगर के माने एक राजा नल और रानी दमंती रह रहा। तो खूब चौकबा को राजपाट चाल रहे हो और खूब प्रजा सुखी है। तो एक दिन ब्राह्मण आई महल के माने दशा माता को दौरो ले, खेलो रानी साहब आप भी दशा माता को डोरो ले लियो और दशा के दिन पैर लीजियो। जन रानी दशा माता को डोरो ले लियो और पूजा कर और आपके गड़ा में पैर ली। तो एक दिन राजा की भी डोरा के ऊपर नजर पड़ी, क्यों रानी थे गड़ा के मायने अतो सुनो पैर मिलो और वो डोरो के पैर मिलो। तो रानी बोलती जो पहले राजा की डोरान तोड़ और जमीन पर पटक दियो। जन रानी बोली कि दशा माता को राजा आप तो अपमान कर दियो, वो चोखो कौन के दो। जन की उठी जन फिर एक दिन राजा सुतो, तो सुता ने सपना आयो। सपना के मायने बूढ़ी माँ का भेष के मायने दशा माता बोली के राजा तुम्हारो अपमान करो ओ अच्छो कौन करो, जो अच्छी दशा माता तो गई और बुरी दशा माता आएगी। जन फिर ओ सपनो राजा ने आयो, जन सुबह रानी ने बतायो, क्यों रानी मना तो वो सपन आयो। जन क्यों राजा अब आपा क्यों ये नगर का मायने कौन रहे हो, आपने अच्छी दशा तो चली गई और बुरी दशा आपने मेल में आएगी। जन क्यों आपा तो दूसरा देश के मायने चालशा। जन राजा और रानी आपका दोनों राजकुमारन ले और चालता चालता श्याम होगी। जन राजा भील को आयो रास्ता, तो आपका दोनों राजकुमारन ने राजा भील कन छोड़ दिया और चाल पड़े। तो चालता चालता श्याम होगी। जना राजा बोलियो रानी ने, क्यों रानी ये नगर का मायने मारो दोस्त है, तो आप अभी दोस्त के घर विश्राम कर ले से, क्यों ठीक राजा। जना राजा रानी दोस्त के घर गया, दोस्त खूब तो राजा रानी को आवादित करो और बने भोजन जिमायो और क्यों राजा रानी ये कमरा का मान के विश्राम कर लो। जन राजा रानी विश्राम करवा लाग गया, तो राजा तो नींद आएगी और रानी नींद को नहीं, तो भी कमरा के मायने एक काट की खूंटी, खूंटी के मायने सोना को नोसरहार टक्योड़ो। तो वो नोसरहार है जो वह खूंटी निंगल रही, तो रानी देख रही देख और बोली क्यों राजा उठो क्यों, क्यों देखो काट की खूंटी है ने जो कि सोना को नोसरहार ने निंगल रही है, आपनों तो चोरी को नाम लाग जैसी कही बेलेगा। जन क्यों ठीक रानी, जन राजा रानी पाछा आपका भीर होगा। जना चालता चालता है राजा की बहन को सासुर आएगो, जन की अब श्याम होगी जो का अपने बहन का आप विश्राम ले लीजा। जना राजा संदेशो भेजो आपकी बहन ने, कह मारी बहन ने खेओ कह बाका भाई और भौजाई आ रहे। जन बा बहन पूछो भी संदेश लिया जखा ने कि मारा भाई भौजाई की हाल में, के थका भाई भौजाई का तो हाल तो माड़ा ही है और फाटोड़ा कपड़ा है और पैदल ही आ रहे। जन के मारा भाई भौजाई बन महल में मत लिया जो महल के मायने तो मारे दौर जुठाणा हंसे तो मन शरम आवे, तो बारे क्यों पीपल को पेड़ है जो भी कने विश्राम कर ले से। जना भाई भौजाई आपके भी पीपल के नीचे बैठ कर विश्राम करे। तो भेण थाली के मायने कांदो और रोटी ले रही, तो भाई तो कांदो रोटी खा लियो और वह भौजाई ने भी कांदा रोटी ने खाडो खोद और भी कमाने बूर दियो बूर और आपका राजा रानी भीर होगा। जना चालता चालता जंगल के मायने रात हुएगी, जन क्यों रानी आपा तो विश्राम कर लिया। जन क्यों ठीक, जन सुबह हो जन क्यों रानी भूख लाग रही है, मैं तीतर ले आऊं जना
राजा तीतर ले आए, आ तीतर ना हांडी में भूंद ले और मैं नदी का मायने नहारा मुखी जन क्यो ठीक राजा। जन बार रानी तो भी हांडी का मायने तीतर भूंदया, तीतर भूंदड़ा भी हांडी में उठ गया। जन राजा आया खेलो रानी परोसो, क्यों राजा काई परोसू हांडी में भूंदड़ा तीतर भी उठ गया। जन राजा बोले क्यों कोई बात को नहीं रानी, आपने तो दिन दशाई खराब है। जन राजा रानी आपका भीर होएगा जना चालता चालता श्याम होएगी। तो रानी को पीर आएगा। जन राजा बोलियो क्यों रानी था को पीर आएगा, थे तो पीर उड़ जाओ और एक गांव के मायने में तेल लिए जगो एक घड़े पर काम करो कर। जन के बार रानी मना कर दियो क्यों नहीं राजा मैं तो था कि साथ तेरे से, क्यों नहीं रानी ते इया नहीं जाओ ना, तो क्यों दासी को रूप धर अर महल का मायने चले जाओ। जन बा आपकी रानी तो दासी को रूप धर महल में चली गई और राजा जी को भी तेली के घाणी के ऊपर काम करे। जन आपकी जन बा रानी एक आपकी महल का मायने राज राजमाता आई जब भी की खूब सेवा पानी करी। तो पचे ना होली को त्योहार आयो, जन महल का मायने सभी त्योहार का माथा नहाया माथा बायार माथा गुथाया। तब दासी रानी बनी जो आपकी राजमाता को माथो बार हर माथो गूंथ दियो। जन राजमाता बोले खेल दासी थारा में बाल बाध्यो और थारो ही माथो गूंथ दियो। जन राजमाता माथो बाबा लगे ने तो भी माथा के मायने तिलो। जन भी राजमाता के आंखें का मायने आंसू आएगा तो वो आंसू भी तिल पर गिर गो। जन क्यों राजमाता थे रोया किया क्यों मारी ये बेटी है बिके माथा में तिल, जन क्यों मैंने रो जाएगा। जन क्यों राजमाता मैं हूं था की बेटी, जन क्यों बेटा तू दासी बन क्यों रही, क्यों मैं दासी बिन नहीं रहती तुम्हारे दिन कौन कटता। जन वा फिर आपके जन क्यों महाराज ज्वाइसा खटे के थका ज्वाइसा तो ई गांव में तेल लेकर घरा काम करे। जन क्यों ठीक। जन पचे ब नौकरा ने भेजा राजमाता, नौकरा ने भेज आपका ज्वाइसा ने बुलाया, ज्वाइसा ने बुला नुआ धुआ और आपके बेटी और ज्वाई ने भोजन जिम्बाय भोजन जिम्बाय। और पचे होले मंगली जी ने जन सूत की कोकड़ी सूत को गठो भी जन ने दिखाए और बकानी सुनी नौ दिन तक तो रानी और दसवें दिन पूजा कर और दसवा माता को गला में डोरो पेरियो और दसवा माता को व्रत करियो। जन फेर बार आपके माने बोली के राजमाता अब मैं तो जैसे माँ की दसा चौकी आएगी। जन फेर राजा और राजमाता आपकी बेटी ने ज्वाई ने खूब तो हाथी घोड़ा धन दौलत और चौखा आपकी बने सीख दे दी, सीख दे दी। जना चालता चालता जंगल के माने देखे तो वे तीतर उड़ रहे, क्यों देखो ए भूंदड़ा तीतर उड़ रहे, क्यों हाँ रानी आपने दिन दशा जना खराब है, अब आपने दिन दशा चौखी आई। तो चालता चालता रात पड़ गई, रात पड़ गई जना राजा की भेण को सासरो आयोजन क्यों आपा आप विश्राम कर लें क्यों रानी, क्यों ठीक राजा। जना आपके वे राजा संदेशो भेजो के मारे भेण ने खे दो के भाई बजाई आ रहा। जन फिर को संदेशो भेजे जन बिनु पूछो के मारे भाई बजाई काई हाल मारे, के था का भाई बजाई तो बहुत चोखा हाल में आ रहा, हाथी घोड़ा धन दौलत खूब चोखी तरह। जन क्यों ठीक मेल में लिए हो। जन बा रानी बोली क्यों नहीं राजा आप मेल में कौन चला, आप तो पिपल का पेड़ नीचे विश्राम कर से। जन राजा रानी भी पिपल के तरह विश्राम कर लियो। जन फिर राजा की भेण ने जेके बा भोजन ले रही, जन बा भोजन जीम लियो और भेण राजा रानी भोजन जीम लियो। फिर बा भेण जाबा लगी। जन बा रानी बोली क्यों ठेरो भाई साहब आपकी अमानत लेता जाओ। जन खड्डो खोद और वे रोटी कांदा ने बाका हीरा मोती ज्वार होएगा। जन वे निकाल और वे थाड़े के मायने ननद ने दे दिया। जन ननद तो आपके महल में चली गई और राजा रानी पचकटा भीर होएगा, भीर होएगा जना
भीड़ हो गया जन श्याम हो गई पाछे चालता 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 ही रात पड़ गई। जन क्यों आपने ये नगर के मायने मारा दोस्त को घर जापा बैठे विश्राम कर ली से। जन क्यों ठीक जन राजा रानी आपके दोस्त के घर गया और भी कमरा के मायने बने ठहरा दिया दोस्त। जन आपके राजा रानी विश्राम कर लियो जन बने चौकी तरह भोजन जिमा दियो भोजन जिमाया जन भाई कमरा के मायने काट की खुट्टी जकी वो सोना को नोसर हारो ने वो पाछी उगल रही। जन बार रानी बोली क्यों देखो राजा जो आप काट की खुट्टी ने जकी हार ने पाछो उगल रही है। जन फिर राजा आपका दोस्त ने बुलायो और दोस्त है जो आपकी बेन बुलाए और क्यों देख मारो दोस्त क्यों चोरी कौन करी वो हार है जो पाछो आप खुट्टी पाछो उगल रही है। जन क्यों हाँ जन पेचवा राजा रानी भीड़ हुई पाचा भीड़ हुई जना रास्ता के मायने भीड़ राजा को आया। जन के अपना राजकुमार ने अपन लेता चला जन राजकुमार में कुमार ने लेबा गया राजा। जन वो भीड़ राजा मना कर दियो क्यों नहीं मैं तो राजकुमार ने कौन दे। जन फिर राजा है नगर वासा ने बोले जन नगर का जाए और वह राजकुमार ने दुनिया ने ले गया। जन एक नगर का सगड़ा ने खुशी हुआ खूब कमा का राजा रानी आएगा तो खूब गाजा बाजाऊ बने सम लिया और बे तो राजा का राजपाट होगा और खूब सुखी शांति होगी। तो आ है दशा माता की कहानी।